जल्दी बने मैं खाऊं, और मुझे काफी अजीब लगा कि अनुषा किचन तो इन्होंने तो देसी साफ कर ली। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आज घर वालों ने फरमाइश की कि कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है। अच्छा, मीठा खाने का मन तो मेरा भी बहुत ज्यादा हो रहा था, तो सोचा क्यों ना सर्दियों की सौगात से शुरू करते हैं। तो मैंने कहा कि क्यों ना आज गजरेला बनाया जाए, रेसिपी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आज गजरेला भी बन रहा है और उसके साथ जो मैं खाने की डिश बना रही हूँ वो बना रही हूँ लौकी चिकन। बहुत धुना सा और मजेदार सा ये डिश बनती है, तो मेरे साथ रहिएगा इस पूरी वीडियो में और ये दोनों चीजें आप भी सीखिए। आ जाओ हानी अनुषा गजरेला बनाते। सबसे पहले मैं लौकी चिकन चढ़ा दूं, इसके लिए मैं ऑयल डालूंगी। अच्छा, ऑयल में सबसे पहले मैं ये प्याज डाल दूंगी, ये थोड़ी सी भुनेगी इसके अंदर, उसके बाद बताती हूँ कि क्या करना है। गजरेला के लिए मैंने ये दूध लिया है 2 किलो और इसको जस्ट मैंने एक बॉईल दिया है। अब इसमें मैं ये इलायची तोड़ के डाल दूंगी। मैंने 2 किलो दूध लिया था और 2 किलो दूध में मैंने ये 1/4 कप चावल जो है मैंने भिगो के रख दिए थे और उनको थोड़ा सा जो है गरदरा कर लिया है, मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया है। तो ये मैं चावल अब इसमें डाल दूंगी। अच्छा, अब इसमें ये जो गाजरें मैंने हरे दी थी, अब ये सारी गाजरें मैं इस स्टेज पर डाल दूंगी ताकि चावल और गाजरें जो है वो अच्छे से पकती रहें दूध में। अच्छा, दोनों चीज़ों को मैंने एक साथ चढ़ाया क्योंकि बैक टू बैक जो है वहाँ पर चिकन भी अपने तरीके से पक रहा है और वहाँ पे चावल और मैंने गाजरें भी डाल दी हैं, ताकि इनको पकने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो हम जो है इसको पकने के लिए छोड़ेंगे चावल और गाजरों को दूध में। अब प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो मैं इसमें अब अदरक लहसुन डाल दूंगी। मैं अब मैं ये चिकन डाल दूंगी, मेरे पास चिकन जो है तकरीबन 2 किलो है। अच्छा, अब चिकन को थोड़ा सा जो है वो ऑयल में इतना जो है आपने फ्राई करना है कि लाइक इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाए। अच्छा, अब चिकन का कलर देखें, ये जो है वाइट हो गया है। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालूंगी, पिसी लाल मिर्च, पिसी काली मिर्च, पिसा हुआ धनिया, पिसी हल्दी, पिसा गरम मसाला और मेरा फेवरेट स्पाइस जो है वो है कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, अच्छा ये देखें ये जोरों पे पक रहा है जो गजरेला इस वक्त। इस स्टेज पर मैं ये लौकी मैंने काटी थी इसको मैं डाल दूंगी, फिर भी डाल दूंगी अब मैं इसमें। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छा, अब इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल के थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी। अनुषा आ गई है मेरी हेल्प करने, सब चीजें मैंने डाल दी हैं, तो ये चम्मच चलाने वाली ड्यूटी अनुषा दे रही है। अनुषा कैसी खुशबू आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है, दिल कर रहा है अभी यहीं से निकाल के अभी यहीं से खाना शुरू कर दो। और हानिया आप खुशबू आ रही है? मेरा फेवरेट है, मुझे बस जल्दी बने मैं खाऊं। और मुझे काफी अजीब लगा कि अनुषा किचन हाँ अनुषा हानिया से पहले किचन में आ गई है, तो हानिया को समझ नहीं आ रहा कि क्या रिएक्शन दे अपना। लेकिन नहीं, अनुषा चम्मच चला रही है भाई, अपनी फेवरेट चीज तो बनाती है ये, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको जो है थोड़ी देर, अब अनुषा अब आप रोक दो, अब इसकी आँच, हानिया आँच हल्की करो उसकी, थोड़ी सी इसकी आँच हल्की करो, थोड़ी सी सही है। अब इसको मैं थोड़ी सी देर, पूरा नहीं ढकना आपने, हल्का सा खोल कर इसको थोड़ी देर आप पकाएंगे, ठीक है। तकरीबन 5 से 8 मिनट ये इसी तरह पकेगा। हैरत कर रही हूँ कि तुम किचन में मुझसे पहले। हानिया तुम तो यार, मतलब तुम तो ऐसे एक्ट कर रही हो जैसे मैं पहली बार किचन पे गई हूँ। चमचा प्यारी पर हिलाते देखना तो कोई भी होगा हैरान ही हैरान, परेशान भी क्या होगी। तुम तो ऐसे एक्ट कर रही हो जैसे तुम किचन की मालिक हो। तो मामा के पास मैं आ गई ना यार, आती है आती है। व्हाटएवर मामा, आप बताएं मामा कौन है।
बताऊंगी। अच्छा कैमरा इधर लेकर आओ। अच्छा अब देखिए इस स्टेज पर मैंने तकरीबन मेरा 8 से 9 मिनट हो गए ये पकते हुए। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा इसमें कर सकते हैं। दस तरीके से ये पक रहा है। अब इस स्टेज पर ये देखिए चावलों की भी एक वो कशिश नजर आ रही है और गजरेले की रंगत आपके सामने ही है। अब इस पे मैं आकर जो है थोड़े से नट्स शामिल कर दूंगी। ये अच्छे लगते हैं जरा बीच में भी ना मुंह में आए तो। और थोड़ा सा मैं ये केवड़ा एसेंस भी शामिल कर दूंगी, बिल्कुल चंद कतरे। इसके अंदर जो गजरेले में जो इसका एक एरोमा आता है केवड़े एसेंस का, उससे जो है ना ये डिश और शाही गजरेला बन जाता है। तो ये गजरेला तो मेरा रेडी हो चुका है, मैं ये चूल्हा कर दूंगी बंद। अच्छा गजरेला बन चुका है और इसको मैं डिश आउट करूंगी ये मिट्टी के थाल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा अनुषा आ गई है अब किचन में। मुझे ये बताइएगा जो देगची खाली होने के बाद कौन उस देगची में से जो लगी हुई खीर होती है या गजरेला या कस्टर्ड या जो भी चीज आप बनाते हैं और वो जो मजा आता है ना देगची में खाने का, वो किस किस को आता है? मुझे तो बहुत आता है और बचपन से हम ये काम करते आ रहे हैं कि जब वो खीर या कोई भी चीज निकल आती थी है अनुषा तो हम लोग वो देगची को साफ किया करते थे। मैं करती हूँ, यही काम करती है, मैं करती हूँ और हानिया भी ये काम करती है। अच्छा अब मैं नहीं पूछा किसी ने। अच्छा अब मैं इसके ऊपर ये जो नट्स हैं हानिया ही दिखा दो, ये नट्स डाल दूंगी। ये देखिए अब इसकी भुनाई हो रही है और मैं इसमें अब हरी मिर्च डाल दूंगी। ये तुम दोनों क्या कर रही हो? हम खा रहे हैं। वही तो देखी वाली कर रहे हैं। बहुत है। ताको भी टेस्ट करा दो। हाँ भाई करा। काफी हो गई है। लो इन्होंने तो देखी साफ कर ली। अच्छा मेरा लौकी चिकन भी जो है वो भी बिल्कुल तैयार है। कहाँ खा कर देखो, ट्राई करके देखो। बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। अच्छा बना है। तो अब जो है वो भी मेरा भुन चुका है। अब मैं उसमें फाइनल हरा धनिया डाल के उसको डिश आउट करने लगी हूँ। ता कैमरा इधर ले आओ। जर्मन चिलीज जो है वो बड़ी मज़ेदार आई हुई है और मुझे बहुत पसंद है। वो खाने में डाल के जो है जब पकती है ना तो उनका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार आता है। अच्छा ये देखिए ये तेल उतर आया है तो इसका ये मतलब है कि हमारी ये डिश जो है ये तैयार है। शाही कोई ट्रेडिशनल चीज बने तो इसके बगैर तो मजा ही नहीं। फाइनली मैं फ्री हो चुकी हूँ। दोनों चीजें ट्राई जरूर कीजिएगा। जैसे मैंने बताया है लौकी चिकन जर्मन चिलीज जो मैंने इसके अंदर डाली है ये पकने के बाद बहुत मजेदार टेस्ट देती है तो यही वाली चिलीज यूज कीजिएगा। बिल्कुल एंड में जो है आप डालें कि ये बहुत ज्यादा घुल जाती है ज्यादा पक जाए तो ये कि वो जरा फ्रेश फ्रेश ग्रीन कलर इनका जो है ना वो वैसा ही रहना चाहिए, मान ना पड़े तो इससे डिश खूबसूरत लगती है। तो चलिए मैं आपको ट्राई करके भी बता देती हूँ कि बनी कैसी हैं दोनों चीज़ें। और ये मेरी पसंदीदा मिर्ची, इसको ट्राई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बहुत शानदार विस्की का इंतजार था। मामा बहुत मजे का है। बनाकर ट्राई जरूर कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये दोनों चीजें आपको कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।